हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जनवरी 2023 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये आने वाला जो महीना है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप सभी को इस नव वर्ष की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी विशेष को फुलफिल करें और आपको सही राह दिखाए, सही पथ पर लेकर जाए, मेरी यही कामना है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैजिटेरियस धनु राशि, जनवरी 2023 कैसा रहेगा ये मंथ सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि वालों के लिए क्या रहे? ओके, दुआएं हैं, हमें एक ही चाहिए। भोले बाबा प्लीज वन कार्ड दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। द ट्वेल्थ हाउस, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि, जनवरी 2023 A time for healing. Bottom of the deck hai, nothing is yet set in stone. Okay. Taro se dekh lete hain pehle. King of Wands, Sun, beautiful. Death, क्या बात है, transformation. 12th हाउस भी है हमारे पास। ओके, सैजिटेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल, मैं थोड़े से क्लैरिफाई करना चाहूंगी। Hanged man, okay. Ace of Cups, okay, Six of Cups,
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। ओके माई डियर सैजिटेरियस, ये जो जनवरी मंथ रहने वाला है आपके लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस है हमारे पास और यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग, तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप एक हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने वाले हैं इस महीने, एक हायर पर्पस से अपने, कि आप किसी एक हायर पर्पस को लेकर के यहाँ पर आए हैं, आप कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप उससे कनेक्ट, उस अलाइनमेंट में आने वाले हैं, उस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के को बताता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को बताता है, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके अराउंड में इस समय अगर डिसबैलेंस चल रही हैं तो बेसिकली आपको अलाइनमेंट में लेकर आया जा रहा है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उनको लेकर के सरेंडर कर दीजिए, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये जो मैसेज है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त है, अगर आपको देखना है पूरी तरह से, ये वक्त आपके लिए इस तरीके का नहीं है कि इस वक्त आप ये बोल रहे हो यस एवरीथिंग इज़ ओके आई एम फाइन, ठीक है, ये वक्त ये नहीं है। ये वक्त ये देखने का है कि क्या आप जो भी पास्ट की सिचुएशंस आप निकल कर आए हो, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं, क्या आप उन चीज़ों को हील कर चुके हो, क्या आप पूरी तरह से हील हो चुके हो, क्या उन सिचुएशन से आपने जिसे कहते हैं कि पीस क्रिएट कर लिया है, उन सिचुएशंस को हील कर लिया है। अगर नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम फॉर हीलिंग क्या बता रहा है कि अभी वक्त है हीलिंग का, अभी पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है। अगर आप लोग इस सिचुएशन में हो कि हाँ मेरी हीलिंग हो चुकी है या मेरी हीलिंग हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपके लिए यही डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपकी हीलिंग नहीं हुई है। तो ये मंथ है कि प्रॉपर वे में उस सिचुएशन को, अपने आप को हील करने का, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप गुड कर्मास भी करें, क्योंकि ये वक्त है कर्म प्रधान, कर्म करने का वक्त है, कि अपने आप को तो हील करना है, अपने साथ साथ आप जिनको भी गाइड कर सकते हैं उनको भी हील कीजिए। ये बहुत एक अलग सा मैसेज है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये निकल के आया है, आपको बोला जा रहा है मे बी ये आपका पर्पस हो, आप एक हीलर हो, ठीक है, लेकिन मैं किसी एक टैग पर आपको नहीं डालना चाहती हूँ। तो ये आपको देखना है, मतलब आप किसी भी तरीके से, मैं एज अ प्रोफेशन आजमाने के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग उसे एज अ प्रोफेशन ला सकते हैं अपनी लाइफ में हीलिंग एनर्जीज़ को, लेकिन कुछ लोग नेचुरल हीलर्स हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को भी हील कीजिए, और जिन लोगों की जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं उनको हील कर सकते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली वो आपकी लाइफ में गुड कर्मास को ही ऐड करेगा, क्योंकि ये महीना जो है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए दोबारा से, आपको अपनी ऊर्जा में टैप इन करने के लिए, आपके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर का जो पैशन है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। कुछ लोगों में ना इस महीने सैजिटेरियस थोड़ा सा घमंड जाग सकता है, ठीक है, ईगो इशू हो सकते हैं, या फिर मतलब ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़, उस एनर्जी को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है अगर आप ईगो में ज़्यादा आ जाओगे ना तो चीज़ें रुकेंगी, ठीक है, चीज़ें बढ़ते बढ़ते रुक सकती हैं। तो ईगो में पहली बात तो नहीं आना है, सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है। और आपको बोला जा रहा है अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ऊर्जा में टैप इन करो, तो ये आपके लिए एक मंत्रा रहने वाला है, मेडिटेशन, मेडिटेशन करो, ठीक है, ये आपके लिए मंत्रा है। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखोगे, उतना आप हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, क्योंकि यहाँ पर विद द हैंग्ड मैन आपको बोला जा रहा है कंटेम्पलेट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, थोड़ा पॉज लेने के लिए, जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, पॉज लो, चीज़ों को कंटेम्पलेट करो, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई किस रीज़न से हुई, क्या लेसन सीखा आपने, क्या लेसन सिखाना चाहते थे डिवाइन आपको, किस लिए हुआ, क्या करने आए थे आप, तो उन चीजों से कनेक्ट होने की जरूरत है। बेसिकली आपको ये जो हैंग्ड मैन है ये बोलता है इस तरीके से देखने की जरूरत है आपको चीजों को, आप बिल्कुल उलट तरीके से चीजों को देख रहे हो, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अभी आप पूरी तरह से हील नहीं हो। तो ये वक्त है अपने आप को हील करने का और एक हायर प्रोस्पेक्टिव से चीजों को, अपनी लाइफ को देखने का, एक जिसे कहते हैं ना रिवाइंड बटन अपनी लाइफ का दबाने का, दोबारा पीछे जाने का और चीज़ों को कंटेम्पलेट करने का कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हुई। आपको वो अंदर ही वो आपको आंसर्स मिलेंगे, फिर आप अपनी लाइफ में वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे, अपने उस पावर में, उस मैच्योरिटी में आप टैप इन कर पाओगे,
ठीक है। और यहाँ पर विद द सन कार्ड एंड द एस ऑफ कप्स कुछ एक नई शुरुआत यहाँ पर होते दिखाई दे रही है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ना सेजिटेरियस, जो भी चीज़ें उथल पुथल हैं, डेफिनेटली ये पे ऑफ होंगी, क्योंकि एक नई शुरुआत, खासकर इमोशनल हीलिंग हो सकती है, कुछ लोगों की हीलिंग दिख रही है, या आपके लाइफ पर्पज़ को लेकर के हो सकता है, क्योंकि लाइफ पर्पज़ को लेकर के आप अलाइनमेंट में लाया जा रहा है आपको। मैं ये नहीं कह रही कि आप आ रहे हो या आ गए हो, आपको लाया जा रहा है। जो भी सिचुएशंस हो रही है ना, आपकी हीलिंग प्रोसेस होना, चीज़ें आपकी लाइफ से जाना, आगे बढ़ना और उन उन चीज़ों पर काम करना, मेडिटेट करना, ये सब चीज़ें ना आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ रही हैं कि आप एग्जैक्टली इस सिचुएशन में, इस लाइफ में करने के आए हो। मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोगों का ना ये लाइफ पर्पस हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। हाँ, पर्सनल रीडिंग होती तो एक अलग बात थी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ये एक हीलिंग कार्ड है, ठीक है, और ये लाइफ पर्पस को दिखाता है द सन का कार्ड, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि आपका एक पर्पस है, उससे अलाइनमेंट में आइए, और ये पर्पस आपको, ये सिचुएशंस आपको ना आपके पर्पस से कनेक्ट कर रही हैं। तो जो भी डिफिकल्टीज आप देख रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसको लेकर के सरेंडर कर दो, ठीक है, उस पर डाउट मत करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप रोशनी की तरफ, अपने पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप यहाँ पे ना, आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप लीड करने आए हो, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने लाइफ के डिसीजंस आपको अपने कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है। इसलिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए, थोड़ा सा पॉज लेने के लिए, देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, किस लिए चीज़ें हुई, क्यों हुई, आपको क्या करने की ज़रूरत है, उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड विद द डेथ कार्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स, विद द डेथ कार्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स, आपको बोला जा रहा है आपको पास्ट की सिचुएशन से पीस क्रिएट करना है। दैट मीन्स कि जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, सरेंडर कीजिए। यहाँ पर आपको पास्ट के सामने सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, तभी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टाइम फॉर हीलिंग। तो ये हीलिंग का वक्त है, कुछ चीज़ें आपने पूरी तरह से रिलीज नहीं करी हैं, हील नहीं करी हैं, उन सिचुएशंस को लेकर के आप अभी भी बैठे हो, तो ये महीना है उन्हें रिलीज करने का, सरेंडर कर दीजिए। कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है इस महीने एक बड़े लेवल पर, और एक नई शुरुआत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपको बोला जा रहा है एक्सेप्टेंस में आइए, रिसीव कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, और ओपन करिए अपने आप को चीज़ों को, आगे ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप पास्ट में स्टक रहते हैं या पास्ट को पकड़ के रखते हैं, तो आपको बोला जा रहा है आप भी सफ़र करोगे और आपकी फैमिली भी पूरा सफ़र करेगी। इसलिए पास्ट से आपको पीस क्रिएट करना है, जिन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है उन्हें माफ़ कीजिए। तभी आपके लिए यहाँ पे शुरुआत में हैंगडमैन की ऊर्जा आई थी। आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए और कंटेम्पलेट कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, एक हायर लेवल से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ अगर वो सिचुएशन हुई थी, आपके साथ वो जो भी सिचुएशन हुई है वो किसी एक रीज़न से हुई थी, ताकि आपको प्रिपेयर किया जा सके। आपके लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस ही कुछ और था, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये सब आपके साथ किया जा रहा था। मे बी आपने अपने जैसे लोगों को हील करना हो, या आपके साथ, आपके साथ जो भी सिचुएशंस हुई है ना, उन जैसे लोगों को आपने सही रास्ता आगे दिखाना हो, उन्हें हील करना हो, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी पास्ट रहा, पास्ट के पर्संस रहे, सिचुएशंस रही हैं, उन्हें फॉरगिव कीजिए, उन्हें माफ़ कीजिए। माफ़ करने का मैं ये मतलब नहीं कह रही हूँ कि आप दोबारा से उन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये डेथ की ऊर्जा है, ये फिनिश की ऊर्जा है। और आपकी लाइफ में आपको यही बताया जा रहा है कि वो पार्ट खत्म हो गया है, बस आपको उसे एज अ बैगेज बना करके आगे नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप एज अ बैगेज बना करके आगे चलोगे तो चीज़ें डिले होंगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो वो काम नहीं आपको करना है। तो जहाँ आप सरेंडर कर देते हो, वहीं आपके लिए वो आगे के द्वार खुल जाते हैं। आपको सरेंडर करना है, आपको अपने पर काम करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे यहाँ पर हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बिखरी हुई लग सकती हैं, चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, या जिस स्पीड से चीज़ें आगे जानी चाहिए थी उस स्पीड से चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर पेशेंस लाइए, ठीक है, अपने अंदर पेशेंस को लाइए। मे बी आपका करियर,
आपके फाइनेंसेस वो इफेक्ट कर रहे हैं। इस महीने के लास्ट वीक जो रहेगा जनवरी मंथ का, आपका जो लास्ट वीक रहने वाला है फाइनेंसेस या करियर के रिगार्डिंग, थोड़ा उथल पुथल मच सकती है। आपको बोला जा रहा है पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ आगे बढ़ना है आपको। अपने अंदर पेशेंस रहिए, अपना काम करते रहिए, अपना हार्डवर्क करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, अपना 100% आप देते रहिए। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पर, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। भले ही थोड़ी देर हो सकती है या उस स्पीड से चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ दिक्कतें, कुछ चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, लेकिन उनसे इरिटेट नहीं होना है आपको, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस लाएंगे तो चीज़ें बहुत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप आगे ग्रो ही कर रहे हो। थोड़ा सा टफ टाइम रहने वाला है। मे बी आप लोगों ने पास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए होंगे, खासकर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ही कुछ पहले आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो सकते हैं उस डिसीजंस को लेने के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, या आप कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, कुछ है यहाँ पर प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने कुछ बड़ा डिसीजन लिया है, तो आपको बोला जा रहा है वो किसी रीजन से ही था, ठीक है। तो सभी चीज़ें उसी तरीके से नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, बदलाव तो इस दुनिया का, इस लाइफ का एक बहुत बड़ी चीज़ है। सभी कुछ ऑलवेज सेम उसी से तरह से नहीं चलती रहती हैं। तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी परफेक्टली या फिर कहेंगे फिक्स्ड नहीं है। चेंज तो है ही लाइफ में, ठीक है ना। हम इस जीवन में आए हैं तो चेंज तो हमें लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ें जा रही हैं इस महीने, उन्हें जाने दीजिए, ठीक है। अपने अंदर की जो आप जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी से, मैं कहूँगी थोड़ा सा जुड़िए अपने अंदर की पावर से, अपने अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ने की आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तभी आप इतने पावरफुल डिसीजंस और इतने अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर नम्र नहीं होना है आपको, क्योंकि जहाँ आप अपने इमोशन से कनेक्ट हो गए, मैं ये नहीं बोलूँगी इमोशन से कनेक्ट हो गए, जहाँ आप थोड़ा नम्र पड़ गए, वहाँ थोड़ा आप डगमगा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सख्त होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगेन देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मेडिटेट एंड कंटम्पलेट है, और यहाँ पर भी आपके लिए है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो डेफिनेटली पास्ट को अपने आप को पीछे मत खींचने दो, उस पर विजय हासिल आपने करनी है। उसको अपने ऊपर विजय हासिल मत करने दो, उस पर विजय हासिल करने का यही मतलब है कि उसके साथ पीस क्रिएट कर लो, ठीक है। माफ़ कर दो उसे, एक्सेप्ट कर लो उसे कि यस, ये मेरा पास्ट था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने उसके साथ पीस क्रिएट कर लिया है। ये भी व्यक्ति, एक राजा समान व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जो पास्ट है, ये जो स्केलेटन है, ये पास्ट ही है ना, उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, उसे क्षमा याचना मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो। तो यही आपको भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज बताएं सेजिटेरियस धनु राशि जनवरी 2023 और क्या मैसेजेस हैं सेजिटेरियस के लिए। मूविंग ऑन, देखिए आगे बढ़ने के लिए दोबारा से आपको यही बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, लाइट की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ो, खुशियों की तरफ आगे बढ़ो, पास्ट को मत देखो। आपको गाइडेंस डेफिनेटली दी जा रही है। इमोशनल विड्रोवल डेफिनेटली, कुछ लोगों की लाइफ में ना कोई रिश्ता हो सकता है, किसी रिश्ते को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये द मून की भी जो ऊर्जा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी, ऐसी थी आपकी लाइफ से जिससे आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपकी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली आप आगे ग्रो कर रहे हो, आपका लाइफ पर्पस इससे जुड़ा हुआ है। टेम्पटेशन, देखिए किसी भी तरह के बंधन को ना, किसी भी तरह का कोई ग्रीड, कोई भी बंधन, क्योंकि ये क्या है, ये डेविल की ऊर्जा है, उसे अपने आप को खींचने मत दो। ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट है आपका। टेम्पटेशन यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है, ये आपका नेगेटिविटी है, पास्ट, ये जो भी नेगेटिव, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट हुआ है,
उसको अपने आप को मत पीछे खींचने दो, आपको बोला जा रहा है उससे मुंह मोड़ करके आगे बढ़ना है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आप अपने ऊपर कितना काम करते हो वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत है। ये लव बिगिंस जो यहाँ पर आया है स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर किसी इंसान के साथ, पर्सन के साथ कोई प्यार की नई शुरुआत मुझे यहाँ पर होती भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये जो एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, इमोशनल हीलिंग मुझे आपके लिए दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली आगे ग्रो कर रहे हैं ना, आपका परमात्मा के साथ वो मिलन, वो एक प्यार, वो बढ़ता हुआ एक होते हुए आप मुझे दिख रहे हैं परमात्मा के साथ, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ एक बड़े लेवल पर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। सैजिटेरियस को आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप सैजिटेरियस को जनवरी 2023 के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। धनुराशि, नाइट ऑफ माइकल, ओ ओ ओ यस, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, आप बहुत मैच्योर हो माय डियर। टाइम टू मूव क्विकली, चूज़ लॉजिक ओवर इमोशंस। मैंने बोला ना, इमोशंस में अगर आप बह गए तो दिक्कत हो सकती है, तो इमोशंस में आपको नहीं बहना है। अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उससे कनेक्ट होइए, लॉजिकल माइंड अपना अपनाने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ना है स्पीड के साथ, रुकना नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर अगेन सडन चेंजेस आपको यहाँ पर एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि सडन चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको ओवरवेल्म्ड लग सकती हैं, अचानक से कुछ थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से ये सब मेरी लाइफ में क्या हो गया है। ये मैं डरा नहीं रही हूँ माय डियर सैजिटेरियस, अवेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे गाइडेंस इसलिए तो दी जा रही है आपको, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने का समय है इस वक्त। और उस सरेंडर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप आगे सक्सेस की तरफ, खुशियों की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपका और डिवाइन का यहाँ पे प्यार, एक कनेक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों की यहाँ पे लव लाइफ में अगर मैं बोलूँ, वो शुरुआत होती हुई भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग बहुत मैच्योर्ड हैं माय डियर, बहुत स्ट्रांग हैं आप लोग, आपको यही बोला जा रहा है, तो अपनी पावर को समझिए। एक एक नाइट की भांति ये जो योद्धा होता है ना, उस तरह से आपको बोला जा रहा है कि समझ लीजिए कि आपके अराउंड क्या चल रहा है। आप किसी एक युद्ध में हो और आप एक योद्धा हो, तो जो एक योद्धा एक अपने अंदर पावर, एक पॉजिटिविटी को लेकर के आता है, करेज को लेकर आता है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आपको एंजल्स यही बता रहे हैं। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देख लेते हैं आपके लिए कीपर्स ऑफ लाइट से डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने के लिए, क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैजिटेरियस धनु राशि, व्हाइट ईगल, इंसेस्ट्रल स्पिरिट, वाओ, देखिए आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उन्हें भी पता है कि आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं इस महीने, तो एंसेस्टर स्पिरिट आपके का मैसेज है यहाँ पे, कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड। तो डेफिनेटली आप किसी फैमिली वुंड को या किसी पैटर्न को आप हील कर सकते हो या कर रहे हो, तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जैसे आप अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से प्यार करते हैं ना, उसी तरह से आप उनसे बातें कीजिए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए। जो दिल से निकली हुई प्रार्थना होती है ना, वो डायरेक्ट जाती है, उसके लिए आपको कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैंडल जलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप उनके सामने, अगर आपके पास उनकी फ़ोटो भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बस आप उन्हें मान लीजिए, उन्हें इन्वोक कर लीजिए कि मैं अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होना चाहती हूँ, उनसे सबसे पहले माफ़ी मांगिए
और फिर जो उनसे आप बोलना चाहते हैं कि इंसेस्टर्स प्लीज़ आप मुझे, पहले तो उनसे माफ़ी मांगना है आपको, देन उन्हें बोले कि आप वो आपको गाइड करे, ब्लेस करे, हमेशा आपके साथ रहें, और उसके बाद थोड़ा सा अवेयर हुई है क्योंकि वो आपको किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली गाइड करेंगे, ठीक है, आपको मैसेजेस देंगे, आपको राह दिखाएंगे, क्योंकि ये भी उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि आप अगर इस वक्त में इस रीडिंग को देख पा रहे हैं और इनसे मैसेजेस ले पा रहे हैं, तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की गाइडेंस है वो जो आपको दे रहे हैं। फेदर्स आपको दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेदर्स अगर आपके आसपास आ रहे हैं, वो भी एक वो रहेगा, इंडिकेशंस रहेगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको बुला रहे हैं। ईगल अगर आपको दिखती है, अभी वाइट ईगल तो नहीं मैं कहूँगी, ईगल अगर आपको दिखती है या बर्ड्स अगर आपको दिखते हैं, फेदर्स आपको दिखते हैं तो समझ जाइए, क्रो आपको दिखता है तो समझ जाइए आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हों, ठीक है। तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने की, ठीक है, वो आपको किसी भी तरीके से मैसेजेस दे सकते हैं माय डियर, चाहे तो वो आपको ड्रीम्स में दें, चाहे वो किसी भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। तो बस ओपन रहिएगा मैसेजेस को लेकर के, और देख लेते हैं ओम नमः शिवाय क्या मैसेजेस हैं। ओके, कौन सा मैसेज है ये, विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो ये आपका विजन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, आपको बोला जा रहा है जैसा आप क्रिएट, जो आप विजन्स आप बनाओगे ना, आप ना एक विजन बोर्ड भी बना सकते हो, या फिर ऐसे मेडिटेशन के वक्त ऐसा करना जैसी आप अपनी लाइफ चाहते हो ना, अब आगे फ्यूचर में, या जो ऐसे जो भी चीज़ें चाहते हो उसे मेडिटेशन में उसका विजन्स देखना, फ्यूचर जिसे बोलते हैं देखना, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, वो बहुत पावरफुल है आपके लिए, आपको बोला जा रहा है ऐसा करना, या विजन बोर्ड बनाना, ये आपके लिए बहुत रहेगा, आपको बोला जा रहा है बस उस एबिलिटी पर ट्रस्ट ज़रूर करना है, हर चीज़ ट्रस्ट पर है। मैं हम कहते हैं ना कि इस दुनिया में मैजिक है, अगर मानो तो, मैजिक भी उन्हीं के साथ ही होता है जो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं मानते उनके साथ मैजिक होता ही नहीं है, तो अगर आप मानोगे तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, क्या बात है, इतने सारे मैसेजेस तो नहीं लेने मुझे, मेरे प्यारे भोले बाबा प्लीज़ तो मैसेजेस और दीजिए सैजिटेरियस के लिए, धनुराशि, जनवरी मंथ, थैंक यू, ये आया था अभी मैंने देखा है उसमें, ये नो लिमिटेशंस, यू आर अ कैलेस्टिकल, सॉरी कैलेस्टियल बीइंग विच अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। तो माय डियर, आप परमात्मा के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, यूनिवर्स के बच्चे हैं, आप अपनी पोटेंशियल को ना अभी समझ नहीं पा रहे हो, आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ठीक है, आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, कोई लिमिट ही नहीं है आपकी, आपको ये बताया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो उससे कनेक्ट होइए। मैंने बोला ना, आप आगे बढ़ रहे हो स्पिरिचुअली, अपने विजन्स पर गौर कीजिए, अपनी एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को किसी चीज़ में बांधिए मत, लिमिट मत कीजिए सैजिटेरियस। साइंस, सी मैंने अभी आपको यही बोला ना, साइंस मिलेंगे, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नर्जिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवेलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखेंगी इस महीने बहुत ज़्यादा, आपको मदर अर्थ गाया से भी कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपने आसपास की जो डिवाइन फोर्सेस हैं उनसे कनेक्ट होइए, सिंक्रोनिसिटीज, साइंस आपको बहुत दिखने वाले हैं, फेदर्स आपको दिख सकते हैं, कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है कभी आप जो गाना आप गुनगुना रहे, किसी गाने में आपको आपके आंसर्स मिल जाए, मैसेजेस मिल जाए, कुछ भी, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अपने आप को ओपन रखिए उस चीज़ के लिए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो तैयार रहिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। तो थैंक यू सो मच सेजिटेरियस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।